करेंगे नहीं तो काम करना पड़ेगा कुछ नहीं। ट्रस्टेबल ब्रांड है अगर अपन चाइनीज के अकॉर्डिंग बात करें तो। इतना स्ट्रांग होता होगा भाई ये। आपको इस टाइप की ऑपरेटिंग की जॉब चाहिए तो आपके लिए शादी करोगे फिर? शादी अब जैसे सैलरी की बात करें तो भाई ये लग मान के चलिए ऐसा आपके पास आना पड़ेगा फिर ऐसे ढूंढना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सीखना इतना ज्यादा मुश्किल है क्या ये? अच्छा ये इधर है पूरा टैंक, इतने का एक टायर होगा अंदाजन? अकेले अकेले चाइनीज में क्या है ना सिस्टम फाइबर बना रखा है बड़ी। हाँ? उसके बाद डबल टॉप लगता है। हाँ। भाई देखिए जैसे हम लोग पहाड़ी घाटी घाटी चढ़ते हैं। कंप्यूटर इसमें क्या देखते हैं आप? गाड़ी आगे बढ़ती है या फिर वो? नहीं नहीं। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। इसके पहले मैंने आपको सेनी की क्रेन बताई थी और मैंने बोला था बहुत बड़ी क्रेन है, मुझे क्रेनों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये हमारे साथ सूरज भाई है हमारे। सूरज भाई मोस्ट वेलकम आपका। सूरज भाई पूरा इसको चलाते हैं। अभी इतनी ह्यूज है कि पूरे कैमरे में भी नहीं आ रही है, आप वहाँ से यहाँ तक देखेंगे इसे। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको क्रेन तो ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 14 टायर है, वो खाली 5 टायर थी। बहुत बड़ी ह्यूज क्रेन है ये। कौन सी दिमाग, मतलब दिमाग बिल्कुल फट जाएगा इसको देख के, इतनी बड़ी है। और ये दिमाग की क्रेन, मतलब वो नाम है इसका दिमाग एसी 1200 है ये, जो पहले अभी डिसकंटिन्यू हो गई, इसकी जगह अब दिमाग एसी 500 आती है। दिमाग बोल बोल के दिमाग बोलो का दही हो रहा है। हमारे सूरज भाई जो है इसको ऑपरेट करते हैं। ये पूरे क्या इसके बूम बोलते हैं क्या? बूम तो उसको बोलते हैं जो ऊपर लगा है ना। तो ये वहाँ आगे से भी ऑपरेट होता है और यहाँ से भी ऑपरेट होता है। सूरज भाई, सूरज भाई पहले अपन यहाँ की बात करें तो यहाँ से क्या क्या चीजें होती है इसमें? क्रेन का पूरा सिस्टम होता है जी, क्रेन का पूरा सिस्टम चलता है। तो आगे से सिर्फ चलाने का होता है इसको, बाकी क्रेन ऑपरेटिंग पूरी यहाँ से होती है। अच्छा ये पहले जो मैंने क्रेन बताई थी आपको सेनी की, वो 300 टन की थी। ये पूरा 500 टन वजन उड़ा सकती है। ये सिर्फ बड़े बड़े काम में ही आती है ना सूरज भाई, जो टोटल ये मेट्रो और ये ब्रिज के बड़े काम होते हैं, छोटे कामों के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा बड़ी है तो इसको चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत आती होगी। सूरज भाई कैसे सीखा आपने इसको चलाना? सर प्रैक्टिस करके सीखा हूं। प्रैक्टिस कहां पर प्रैक्टिस करी आपने? दिल्ली में सर। दिल्ली में? तो आप पहले ट्रक वगैरह चलाते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, टोटल क्रेन ही। तो एकदम से मतलब स्टार्टिंग कैसे करी आपने? जैसे कोई दूसरा बंदा अगर क्रेन वगैरह में इंटरेस्टेड है काम करने में तो कैसे कर सकता है? सर पहले सीखा जाता है, जैसे हम अभी चला रहे हैं, हमारे पास दो लड़के हैं। हाँ, वो सीख रहे हैं। हाँ, जैसे उसको सीख जाएंगे तो कहीं चलाएंगे। अच्छा, तो इसमें पेमेंट वगैरह अच्छा मिलता है ट्रक वगैरह से? हाँ, क्या पेमेंट वगैरह मिल जाता है इसमें? ये सर 32,000 मिलता है। अच्छा, ये पेमेंट भत्ता अलग से मिल जाता है? हाँ। तो मतलब बाकी जो ट्रक वगैरह चीजें रहती है उनसे अच्छा पेमेंट इसमें अपने को मिल जाता है। मैं यहाँ से इसे देख सकता हूँ थोड़ा सा? अच्छा, ऊपर यहाँ से चढ़ना पड़ेगा तो ये खुल जाएगा? हाँ एक मिनट मैं देखता हूँ। ये भाई देखिए भाई यहाँ से चढ़ता है ये। अच्छा, ये पीछे की तरफ खुलता है पूरा है? खुलिए ना सूरज भाई इसको थोड़ा सा। भाई देखिए ऐसे ये खुलता है और ये वाला चढ़ना थोड़ा सा इसमें मुश्किल है, लेकिन मैं चढ़ जाता हूँ। ये देखिए भाई ये इसका फंक्शन है। बैठ जाओ सूरज भाई, चलाऊंगा नहीं, बैठ जाता हूँ। अच्छा यहीं से ऑपरेट स्टार्ट भी हो जाती है क्या ये? ये देखेंगे आप। देखिए बहुत ही ज्यादा इसमें फंक्शन वगैरह। देख ये क्या सूरज भाई इसका चलाने के लीवर रहता है। ये दोनों लीवर से आप ऑपरेट करते हैं इसको? ये क्या गाने वाने के सिस्टम भी दे रखे इसमें? और ये क्या चीज़ है? कंप्यूटर। इसमें क्या देखते हैं आप? वजन दिखाता है, कितना उठा रखा है, टैली दिखाती है। कितना उठा रखा है ये वजन इसमें देखने को मिलता है? हाँ, कितना हम माल उठा रहे हैं। हाँ, बहुत ही तामझाम। और ये कैमरा दे रखा होगा शायद इसमें, है ना? कैमरा दे रखा है। ये पूरा स्पीड वगैरह इसकी क्या रहती है देखेंगे भाई। बहुत तामझाम है। ये क्या है इसमें? ये ब्रेक, ये एक्सीलेटर भी पड़ता है क्या इसमें? गाड़ी आगे बढ़ती है इससे या फिर वो? नहीं नहीं नहीं, ये बूम का एक्सीलेटर होगा। बूम का एक्सीलेटर। और ये चीज? ये ब्रेक है। ब्रेक, बूम में ब्रेक भी लगता है? नहीं नहीं, घूमने के लिए, चक्कर लेने के लिए। अच्छा, चक्कर लेने के लिए ये जो ब्रेक है और ये इसका एक्सीलेटर है बूम का ही। तो ये तो इसके ऊपर वाले फंक्शन मैंने आपको दिखा दिए, ग्लास वगैरह सब दे रखा। काफी ज्यादा ह्यूज है ये हमारे सूरज भाई जो इसको चलाते हैं। एक बार मैं बाहर के थोड़े बहुत फंक्शन सूरज भाई जो भी बताएंगे वो बता देता हूँ आप लोगों को। ये इसका ये वाला व्यू, मैं पूरा यहाँ पे चढ़ा हुआ हूँ इसमें। ये देखेंगे आप कितनी ज्यादा ह्यूज ये क्रेन है। ये पूरा यहाँ बाहर से दिखा दिया मैंने आपको सिस्टम। ये देखेंगे कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का ही होगा भाई ये, है ना? सब है ना? आप चढ़े कहाँ से थे यहाँ पे? नहीं सर, ऐसे नहीं। सूरज भाई इसका माइलेज वाइलेज क्या होता होगा? इसका सर 10 लीटर घंटे का रहता है। मतलब एक घंटे में ये 10 लीटर खा जाती है, ऐसा कुछ माइलेज इसका रहता है। अब इधर से चले अपन तो मैं दिखाऊँ आपको। ये बहुत बड़े बड़े निकले हुए हैं इसके, पूरा मेट्रो का काम चल रहा था और अभी भी इससे एक बड़ी क्रेन मेट्रो में चल रही है। हुआ तो मैं शूट करके ज़रूर दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम है। ये इसका मेरे ख्याल से वो एग्जॉस्ट वगैरह होगा। हाँ, और ये है इसका बड़ा सारा पूरा जो बूम है ना, बूम कहते हैं इसको। कितने 250 फीट का बूम है ये?
अब अगर सूरज भाई का अंदर से ट्रक दिखाएं तो वैसे इसमें इंजन जो आता है मर्सिडीज का ही इंजन आता है। ये हमारे जो भाई लोग सीख रहे हैं इसको। सूरज भाई बैठिए ना, और इधर से मैं आपको प्रोफाइल दिखाऊं इसकी, तो ये देखेंगे आप थोड़ा ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है, आप देखें कितना ये क्या है इसमें, 1 2 3 4 इसको चार एक्सल बोलते हैं क्या? अच्छा चार बूम जी। तब इसको निकालेंगे ना बाहर तभी 252 फीट हाइट होगी। 252 फीट हाइट पूरा ये चारों निकलने के बाद, ये पूरे चारों के तामझाम जो रस्सी वस्सी दे रखी है वो पूरी इन्हीं की है। ये इसकी फ्रंट प्रोफाइल है आप देख सकते हैं, और थोड़ा जो एरिया है पथरीला है तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ शूट, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अब इधर देखेंगे आप, ये छोटू भाई बैठे हुए हैं इसमें इसको चलाने में बड़ी दिक्कत आती होगी, लेकिन कुछ भी कहो आप। छोटू भाई क्या खाना वाना खा रहे हो? दाल चावल खा रहे हो अकेले अकेले? खाइए खाइए। अच्छा ये अंदर से मतलब थोड़ा, वो जो सेनी की क्रेन थी वो बहुत लग्जरी थी अंदर से। सर क्या है ना चाइनीज है। हाँ चाइनीज में क्या है ना सिस्टम फाइबर बना रखा है बढ़िया करके। अच्छा ये कौन सा चाइनीज? नहीं ये नहीं है, जर्मन है। अच्छा ये जर्मन क्रेन है, दिमाग इसका नाम लेकिन बड़ा दिमाग अपने इधर अगर बोले तो दिमाग। ये क्या लगा हुआ है इसमें? ये ये पैनल बोर्ड है इसका, इलेक्ट्रिकल फंक्शन, इलेक्ट्रिकल फंक्शन है इसका। तो यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ये तामझाम है। आप खाना खाओ आराम से, मेरी वजह से डिस्टर्ब मत हो, मैं उधर जाके शूट कर लूंगा ना। खाना खाते में किसी खाने खाते में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, यूट्यूब चैनल के लिए शूट हो रहा है भाई 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 अभी बाहर से वॉक अराउंड दिखाऊंगा पूरा अच्छे से आपको। भाई एक मिनट रुकना बस, थोड़ा थोड़ा शूट करके पहले ये कंप्लीट कर लूँ। ये देखिए सीट एडजस्टमेंट वगैरह, प्रेशर सीट आती है इसमें? नहीं सर हाँ नहीं, ये लगा हुआ ना ये प्रेशर सीट? नहीं नहीं वो उससे नहीं, उससे नहीं जंपिंग करता है, कम्फर्ट अच्छा रहता होगा। लेकिन सूरज भाई इसमें है, सूरज भाई क्या क्या फंक्शन होते हैं इसमें अंदर बताएंगे आप थोड़ा सा ना? जी बैठिए ना, बड़ा बताइए। सबसे पहले जैसे गियर है, कितने गियर्स आ जाते हैं इसमें? 8x16। 8x16 मतलब 8 हाई है, डबल टॉप लगता है इसमें। 8 हाई है डबल टॉप लगता है? 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ उसके बाद डबल टॉप लगता है। हाँ तब 8x16 है इसका। और ये चीज क्या क्या दे रही सूरज भाई इसमें? ये सस्पेंसर है उठाने के लिए। कौन सा? ये वाले। हाँ ये सस्पेंसर है। हाँ जैसे किरण को हम हाइट करना चाहे तो जगह से यहीं से उठ जाएगी। अच्छा नीचे जो पूरा निकल जाते हैं सस्पेंशन हाइट हो जाती है। और हाँ। ये दोनों चीज क्या है? ये दोनों ये हैंड ब्रेक है। हाँ और ये साइड में ये कंट्रोलर है, इंजन कंट्रोलर। इंजन के कंट्रोल मतलब कैसे? जैसे हम लोग पहाड़ी घाटी घाटी चढ़ते हैं। हाँ उसके काम आता है, इंजन कंट्रोल के काम आता है। बाकी तो सब ये लाइट वाइट के इनके सिस्टम। और अंदर इसमें कैमरा दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है इसका कैमरा। और ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसा बना हुआ, बिल्कुल ये बनाया हुआ है अलग से या फिर इसमें ऐसा ही आता है? ऐसा ही आता है, जर्मन टेक्नोलॉजी है। जर्मन वाले क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी दे के रखते हैं जो जर्मन वाले रहते हैं। चाइनीज से अच्छा ब्रांड है, चेस मजबूत ब्रांड है, मतलब वो सेनी से ज्यादा मजबूत एक रहना है ना। उठा लीजिए उठा लीजिए फोन, गौ माता आ गई। एक मिनट आगे जाएंगे आप थोड़ा सा सूरज भाई इसका जो मेंटेनेंस होता है सर्विस वर्विस वो क्या फंडा रहता है उसका? सर मेंटेनेंस रहता है, मैकेनिक आके करता है, मैकेनिक आके करता है सर्विस की जो होती है। टायर जो है इसके बड़े ह्यूज हैं, बहुत बड़े बड़े टायर हैं। ट्यूबलेस टायर है, इसमें ट्यूब नहीं रहता है। ट्यूब नहीं रहता, कितने का एक टायर होगा अंदाजन? अंदाजन सर 1,20,000 का। 1,20,000 का एक टायर? 1.5 लाख तक रहता है। तो भाई इतना तो कमाती भी होगी ना ये, इसलिए इसका थोड़ा बहुत हमें फंक्शन बताएंगे इसमें कहाँ क्या टैंक वगैरह होता है, थोड़ा बहुत जो भी बाहर का आप बता सके। परेशान तो नहीं कर रहा हूँ आपको, टैंक आपको दिख नहीं पाएगी। हाँ चेचिस के अंदर है टैंक, डलता कहाँ से इसमें? डलता तो होगा ना, ये देखेंगे आप। देखिए भाई कितना ज्यादा तामझाम है उसमें, क्या क्या तो तामझाम बताया जाए। ये यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के ये, अच्छा ये इधर है पूरा टैंक इसका, तो टैंक उधर है वो सामने की तरह, वो जो एक टैंक लग रहा है वो सामने अलग टैंक है। अच्छा ये पूरा इसका प्रेस हाइड्रोलिक वगैरह दे रखे हैं इसमें बहुत सारे। वो सीढ़ियाँ जो चढ़ने की दे रखी है वो किस चीज़ की है? ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए दिखाऊँ क्या ऊपर चढ़ के आप लोगों को? चलिए अभी जाता हूँ आप लोगों के लिए ऊपर। बाकी ये प्रोफाइल तो पूरी इसकी ऐसी है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी मैं बता चुका हूँ। मतलब ये अगर किसी को इसमें जॉब करना है सूरज भाई, तो पहले इस पर काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ता, लेकिन वो तो लिमिटेड लोग हैं इंडिया में जो इसको चलाते हैं, आप जैसे लोग हुए। नहीं नहीं कोई भी चला सकता है, हाँ कोई भी अपना मेहनत करेगा तो आगे बिना जैसे सीखना तो पड़ेगा, मैं मान रहा हूँ इसका। कहीं पे ऐसे डायरेक्ट इंटरव्यू जाके देख के अपन ऐसे नहीं ले सकते इसमें जॉब, हैं नहीं ले सकते। तो ट्रेनिंग देते होंगे या फिर आप ही लोग सिखा देते हैं उन्हें? हम ही लोग सिखाते हैं। आप ही लोग सिखाते, फिर आप डन कर देते होंगे उसे कि हाँ ये फाइनल है बंदा,
अच्छा, तो ऐसा आपके पास आना पड़ेगा फिर, ऐसे ढूंढना पड़ेगा आपको पहले है? है, लड़के चलाने लगते तो अपने जाके। हाँ मतलब कोई क्रेन वाला है उसे ढूंढे आप, तो फिर आपको नौकरी मिल जाएगी इसमें। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम आपको देना पड़ता होगा, क्योंकि ये दूर दूर जाती है काम के लिए, पाँच पाँच छः छः साल साल भर घर जाते हुए हो जाता होगा। नहीं 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 नहीं, पाँच पाँच छः छः साल, मतलब पाँच पाँच छः छः महीने तो लग जाते होंगे आपको, साल भी हो जाता कभी कभी। हाँ, क्योंकि साइट का काम है भाई। इससे पहले आप ट्रक वगैरह चलाते थे, डायरेक्ट यही चलाने लगे? डायरेक्ट यही चला। डायरेक्ट आपने शुरू से क्रेन ऑपरेटर पे ही करा? हाँ। अब ऑपरेटिंग कितने टाइम में सीख गए थे सूरज भाई? मैं सर, मुझे लगा था चार साल। चार साल लग गए इसकी ऑपरेटिंग सीखने? इतना ज्यादा मुश्किल है क्या ये? कंप्यूटराइज है ना सर, कंप्यूटराइज है, पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो चार साल जब आपने ऑपरेटिंग सीखी थी, तो उसमें भी आपको पेमेंट मिला था सीखने का? हाँ, सीखने का पेमेंट। काफी ज्यादा टाइम दे दिया सूरज भाई आपने। लेकिन आप ये है कि आप पूरे मन गए, आप कोई भी क्रेन चला सकते हैं, तो इतना टाइम इंसान को देना पड़ेगा इसमें। अब जैसे छोटू भाई हमारा, क्या नाम है आपका? अखिलेश चौहान। अखिलेश चौहान, आप सीखने आए इसको? सीखने आए। तो मतलब पहले कितना टाइम हो गया आपको? हमको 6 महीने हुआ। कितना सीख गए 6 महीने में? थोड़ा बहुत सीख लिया। थोड़ा बहुत सीख ले, मतलब फिर भी आपको टाइम लगेगा। सूरज भाई को 4 साल लगा है, इतना टाइम तो आपको लगेगा, क्योंकि बहुत बारीकी वाला काम है भाई। दूसरों की सेफ्टी का और खुद की सेफ्टी का भी इसमें ख्याल रखना पड़ता होगा। सब रहते हैं ना जो काम करते हैं वर्कर, उनका सबका सेफ्टी यही रहता है मशीन। हाँ, बहुत ज़्यादा बारीक काम है, मतलब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूरज भाई जाओ, मैं एक बार ऊपर ऊपर देख लूँ। देखिए मैं एक बार ऊपर खुद चढ़ के दिखाता हूँ आपको। अब वहाँ से कैमरा आ नहीं रहा था, यहाँ तक तो मैं आ गया। ये देखिए, और टॉप ऑफ द फ्लोर ये आ चुके हैं अपन यहाँ पे इसके। तो ये है इसका पूरा बूम, चढ़ के दिखाएंगे। आई हो, हाँ भाई मज़ा आता है ये चीज़ें दिखाने में। ये देखो आप, इसका ये जो है ना रस्सा, इतना स्ट्रांग होता होगा भाई, ये बहुत ख़तरनाक स्ट्रांग रहता है। ये पूरा हाइड्रोलिक्स पाइप वगैरह इसके जा रहा है, कुछ ऐसा ये दिखता है ना। बढ़िया है कंटेंट, सूरज भाई से जो इन्फॉर्मेशन मिल पा रही वो तो अपन ने आपको दे दी पूरी की पूरी। वो जो थोड़ी बहुत बातचीत दूर होगी उसमें बता देंगे। बाकी ये है कि बहुत सारे लोग, आप लोग बोलते हो ना मुझे कि यार हमें भी ये ऑपरेटिंग सीखना है भाई, हमारे भी जॉब लोग आते हैं इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आते हैं, तो मैं ऐसे नहीं लगवा सकता भाई, मेरी इतनी पहचान नहीं है, मैं तो वीडियोज़ बनाता हूँ, छोटा मोटा इंसान हूँ। लेकिन ये बोल सकता हूँ आपको कि देखिए भाई, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है, बड़ी ब्रिज बन रहे हैं, कहीं पर मेट्रो बन रही है, अगर आपको इस टाइप की ऑपरेटिंग की जॉब चाहिए तो आप वहाँ जाएँ, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए जाना पड़ेगा। आप वहाँ जाएँगे ना तो इनसे, जैसे मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सूरज भाई को पहले से जानता नहीं था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, बात करी, कन्विंस करा, वो मान गए, तो फिर वीडियोस बनाने लगा। ऐसे ही आप उनसे जाके बोलेंगे, चढ़ गया थोड़ा हाफ गया, उनसे बोलेंगे तो भाई या तो मुझे लगवा दे कहीं क्रेन में, या कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, जब भी जगह खाली हो मुझे बता दें, तो इस टाइप से जाके मिलेगी। क्योंकि डायरेक्ट आप इसका कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होता कि डायरेक्ट आप इंटरव्यू देके जॉब ले लें, क्योंकि इसमें सीखना ज़रूरी, जब तक ऑपरेटिंग सीखेंगे नहीं आपको कैसे नौकरी मिलेगी। तो यही इसका वो है। अब जैसे सैलरी की बात करें तो भाई ये मान के चलिए लमसम 50,000 पर मंथ तो पड़ता ही है इसमें, क्योंकि ये क्रेन काफ़ी डिफिकल्ट है सीखने में भी और इन चीज़ों में भी। इतना अमाउंट तो मिलता है, इतना अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, आपके भाई को खुद नहीं मिल रहा यूट्यूब से, ये ज़मीन बच गया भाई। अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं अपन, ठीक है मैं नीचे जाता हूँ, थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर वीडियो का एंड करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर मैं स्टार्टिंग से प्रोफाइल दिखाऊँ आप, तो यहाँ से आप प्रोफाइल देख सकते हैं इसकी, कितनी ज़्यादा ये ह्यूज है। क्या है कि बहुत थोड़ा कंजेस्टेड जगह पे खड़ी हुई है, इसलिए मैं खुल के शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए प्रोफाइल। सूरज भाई ये क्या मतलब रेंट वगैरह से चलती होंगी ये? हाँ, तो इसका क्या रेंट वेंट रहता है कुछ आईडी? तो अपने को नहीं पता रहे। अच्छा, क्योंकि अब तो अभी अंदाजन प्राइस कर रहे थे, कितने की आती होगी ये? सर उसका भी नहीं, बाहर से आती है मशीन। क्योंकि इसके पहले सैनी का क्रेन का जो 5 टायर थी, उन्होंने मुझे बताया था 6-7 करोड़ की, तो वही क्रेन थी, तो ये भी इससे ज़्यादा महंगी होगी ये क्रेन तो। और ये जर्मन टेक्नोलॉजी है, चाइनीज ब्रांड नहीं है, ये जर्मन है, तो और ज़्यादा कॉस्टली होगी थोड़ी सी, क्योंकि जर्मन ज़्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड है अगर अपन चाइनीज के अकॉर्डिंग बात करें तो। और ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल, आप देखेंगे तो देखिए, देखिए कितना बड़ा क्रेन है भैया। क्या नाम बताया था आपने? अखिलेश। अखिलेश, आपकी उम्र बड़ी कम लग रही है, क्या उम्र हो गया अखिलेश? 19 साल है। यूपी के ही हैं आप भी? नहीं। तो आप पढ़ाई वढ़ाई करी आपने? हाँ। क्या करा आपने? इंटर किया। इंटर किए? हाँ। क्या किया उसमें?
इंटर करके यही काम सीख रहे हैं। बस इंटर करके डायरेक्ट यही काम सीख रहे हैं आप, तो इसमें इंटरेस्ट कैसे आ गया आपका? इंटरेस्ट आ गया है? पढ़ेंगे नहीं तो काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। नहीं लेकिन यह है कि आजकल नौकरी करने वालों को 50,000 महीना मिलता नहीं, अगर आप सीख गए अच्छे से तो पेमेंट तो आपको अच्छा मिलना ही है। पेमेंट तो अच्छा मिलेगा सीख जाएंगे तो। घर वालों ने अलाउ कर दिया आपको? हाँ घर वाले ने अलाउ कर दिया। अभी काफी छोटी उम्र में आप बाहर आ गए, लेकिन आपने अगर 4 साल दे दिए तो आगे की आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन घर से आपको दूर रहना पड़ेगा। घर से मैं खुद दूर हूँ, दूर हूँ। दूरी हाँ, अभी तो आप दूर, मतलब ऐसे ही कि आगे भी जाके फिर ऐसे ही रहेगा कि आपको साल भर 5-6 महीना ये है कि दूरी रहना पड़ेगा? कई साल दूर रहूंगा सीखने के लिए। कई साल दूर रहोगे सीखने के लिए? शादी करोगे फिर? शादी मजाक कर रहा हूँ यार, हमारे अखिलेश भाई। तो भाई ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो, भाई लोगों के साथ थोड़ी बहुत मजाक मस्ती, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत फालतू चीज़ें सब बता दी, लेकिन क्या मज़ा आएगा आपको चलते हुए ज़रूर बताऊंगा, वादा है आप लोगों से, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। बाकी होप करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।